बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो है ब्लॉगिंग क्या होती है और इससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से दोस्त ऐसे हैं उनका ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वही आदमी ब्लॉगिंग कर सकता है जिसके पास हाई एजुकेशन मौजूद है, जो पढ़ा लिखा आदमी है वही ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकता है, वही ये काम कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ब्लॉगिंग हर आदमी कर सकता है, हर पाकिस्तानी कर सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठने वाला आदमी जिसके पास तालीम मौजूद है या नहीं तालीम मौजूद है, या उसके पास कोई स्किल मौजूद है या नहीं मौजूद है, हर आदमी ये काम कर सकता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि ब्लॉगिंग क्या होती है, आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, हमें गूगल किस चीज़ के पैसे देता है, ब्लॉगिंग के अंदर हमने काम क्या करना होता है, क्या इसके लिए तालीम की ज़रूरत है या नहीं है, आपने पैसों को रिसीव कैसे करना होता है, डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं ब्लॉगिंग क्या होती है। दोस्तों, ब्लॉगर एक प्लेटफॉर्म है, यानी एक वेबसाइट कह लें इसको, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके आप फ्री में बगैर कुछ पैसे दिए आप एक ब्लॉगर तैयार करते हैं, यानी एक मजमून लिखते हैं, उस मजमून को लिखने के बाद आपने पब्लिश करना होता है, शेयर करना होता है गूगल के ऊपर। दोस्तों, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। मैं यहाँ गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ पाकिस्तान न्यूज। दोस्तों, मैंने पाकिस्तान न्यूज़ को यहाँ पे रिसर्च किया है और उसके बाद मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आ चुकी हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये सारे ब्लॉग्स हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्या आजकल चल रहा है वो सारी बातें शेयर की हुई हैं। मैं यहाँ पर जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है इसको ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये जो आपके सामने एक मजमून ओपन हो चुका है, ये एक ब्लॉग है, ठीक है, ये एक ब्लॉगिंग है, ये एक आदमी बैठा हुआ है जो कि पाकिस्तान के रिलेटेड न्यूज़ को शेयर कर रहा है। इसको आप समझ लें कि एक ब्लॉग है, ये एक मजमून है। ब्लॉग का दूसरा नाम आप मजमून भी रख सकते हैं या मजमून का दूसरा नाम आप ब्लॉग भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का आपने एक ब्लॉग क्रिएट करना होता है, उसके अंदर पिक्चर लगानी है और उसके अंदर सारे हालात क्या आजकल चल रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो इस तरह का एक आपने मजमून क्रिएट करना होता है, बनाना होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आपने किस जगह पर जाके, कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाके इस तरह का मजमून क्रिएट करना होता है, इस तरह का ब्लॉग बनाना होता है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये blogger.com जो है ये वेबसाइट ओपन है, इसके ऊपर आने के बाद दोस्तों इस तरह का आप मजमून क्रिएट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस तरह का मजमून बना सकते हैं, आपको एक रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये तो बात आपको क्लियर होगी कि ब्लॉगिंग क्या होती है, ठीक है। ब्लॉगिंग का दूसरा नाम जैसा कि मैंने आपको बता दिया है मजमून है, आपने एक मजमून क्रिएट करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो पैसे कमाने का तरीकाकार ये होता है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये एक मजमून मैंने ओपन किया हुआ है, तो सबसे ऊपर ये आपको न्यूज नजर आ रही है और साथ ही आपके एक इश्तिहार नजर आ रहा है, ये इश्तिहार जो है गूगल चला रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको न्यूज नजर आ रही है, जो भी हम आर्टिकल ओपन करते हैं या आप अपनी स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल के ऊपर गूगल को ओपन करते हैं तो इस तरह के आपको इश्तिहारात नजर आते हैं। तो जितने भी इस तरह के इश्तिहारात चलते हैं इसके हमें पैसे मिलते हैं। जो भी आदमी इस तरह का मजमून क्रिएट करता है और मजमून क्रिएट करने के बाद उसके ब्लॉग्स के ऊपर इस तरह के इश्तिहारात चलते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, ये आप देख सकते हैं आपकी राइट साइड पर काफी ज्यादा इश्तिहार चल रहे हैं। तो ये जो इश्तिहार ये गूगल चला रहा है, गूगल जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है मुख्तलिफ कंपनियों की, तो इस एडवर्टाइजमेंट के इस आदमी को पैसे मिलेंगे जिस आदमी ने ये मजमून क्रिएट किया है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, या जिसकी ये वेबसाइट है उसको पैसे मिलेंगे। जितने ज्यादा यूजर आपके ब्लॉग्स के ऊपर आएंगे, जितने ज्यादा यूजर आपके मजमून के ऊपर आके उसको पढ़ेंगे, उतने ही ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ आप किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपके पास किस चीज़ के रिलेटेड नॉलेज मौजूद है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है और वो उसके ऊपर शेयर करते हैं पाकिस्तानी न्यूज़, जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा हादसा होता है या पाकिस्तान के अंदर कोई अहम डेवलपमेंट होती है उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको अपने मजमून के ऊपर लिखते हैं और गूगल के ऊपर आने के बाद उसको शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो गूगल के ऊपर रिसर्च करते हैं उस चीज़ के रिलेटेड जिस टॉपिक के ऊपर उन्होंने मजमून लिखा होता है, तो उसको जितने ज्यादा यूजर उसके मजमून के ऊपर आते हैं उतने ही ज्यादा आपको पैसे मिलते हैं। एक और आपको मिसाल देता हूं ताकि आपको बात और क्लियर हो जाए। आजकल पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस का मसला चल रहा है, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि मजमून लिख रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर, कोरोना वायरस कब खत्म होगा, पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है, यह कब खत्म होने जा रहा है, कोरोना वायरस की मेडिसिन तैयार हो चुकी है या नहीं हो चुकी, इन टॉपिक के ऊपर बहुत से दोस्त जो है वो लिख रहे हैं, मजमून बना रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अब जितने ज्यादा यूजर
के ब्लॉग के ऊपर आते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उतने ही ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं जिन्होंने मजमून लिखा होता है। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग करते हैं, किस टॉपिक के ऊपर मजमून लिखते हैं। कुछ आदमी ऐसे हैं वो एजुकेशन के रिलेटेड मजमून लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर टीचर हैं सारे के सारे ये काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिपेंड ये करता है आप एजुकेशन के ऊपर ब्लॉग बनाना चाहें तो एजुकेशन के ऊपर बना सकते हैं, कोरोना वायरस के ऊपर अगर आप बनाना चाहें तो कोरोना वायरस के ऊपर मजमून बना सकते हैं, अगर कोई हदीस आप लेख के नशर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं, अगर कोई मसला आपको दरपेश है उसका सलूशन आपने निकाल लिया है तो आप उसको नशर कर सकते हैं। तो लातदार टॉपिक है, जो भी टॉपिक आपकी नज़र में आता है आपने उसके ऊपर मजमून बनाना है और गूगल के ऊपर आपने शेयर कर देना है। अब दोस्तों ये भी आपको पता चल गया ब्लॉगिंग क्या होती है, ये भी आपको पता चल गया कि पैसे किस चीज़ के हमें मिलते हैं, पैसे हम कैसे कमाते हैं। अब दोस्तों मैंने ये भी आपको बता दिया है किस टॉपिक के ऊपर आप मजमून लिख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या ब्लॉगिंग करने के लिए तालीम की जरूरत है या नहीं है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि हर आदमी ये काम कर सकता है, अगर आपके पास कोई नॉलेज मौजूद है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई नॉलेज मौजूद नहीं है, कोई तालीम आपके पास मौजूद नहीं है, आप अनपढ़ हैं, नाड़ी बंदे हैं, तो आप तब भी ये काम कर सकते हैं, इसके लिए कोई इतनी बड़ी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसकी एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि ब्लॉगिंग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। उनका अंदाज़ क्या होता है, जब कोई पाकिस्तान के अंदर अहम डेवलपमेंट होती है या इंडिया के बहुत से दोस्त ऐसे हैं या बांग्लादेश के बहुत से दोस्त ऐसे हैं या बाहर कंट्री के जितने भी ऐसे दोस्त हैं जो ब्लॉगिंग का काम करते हैं, जब आपकी कंट्री के अंदर कोई अहम डेवलपमेंट होती है तो उसके रिलेटेड बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है आपके मुल्क के अंदर चल रही होती है वो उसके ऊपर मजमून लिखते हैं, उसके ऊपर ब्लॉग्स बनाते हैं। बहुत से दोस्त क्या करते हैं, उनकी वेबसाइट को ओपन करते हैं और जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद जुगाड़ जुगुड़ लगा के थोड़ी बहुत अपने पास ऐड करके या बिल्कुल उसी को अपने ब्लॉग के ऊपर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अपने ब्लॉग तैयार करते हैं और उसको गूगल के ऊपर शेयर कर देते हैं और इस तरीके के साथ अच्छे खासे वो पैसे कमा लेते हैं, यानी उनके लिए ये एक कॉपी पेस्ट काम है। तो अगर आप कॉपी पेस्ट करना जानते हैं, इसको सीखना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, तो इस तरीके के साथ भी आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई तालीम की जरूरत नहीं है, एक नाड़ी बंदा भी ये काम कर सकता है। अब दोस्तों एंड वाली बात आ जाती है कि आपने पैसे कैसे हासिल करने होते हैं, जो कि बहुत बड़ा इशू है कुछ दोस्तों के लिए। दोस्तों पहला तो तरीका ये होता है, जिन लोगों के YouTube चैनल मौजूद है, जिनके एडिसेंस का अकाउंट बना हुआ है, तो एडिसेंस के जरिए भी आप ये पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा मेथड हैं जिनको यूज़ करते हुए आप ब्लॉगिंग करके पैसे रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सी चीज़ों का जानना आपके लिए लाजमी और ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका माइंड इस हवाले से क्लियर हो चुका होगा कि ब्लॉगिंग क्या होती है, हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी बात का जवाब दूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।